बहुत दिनों से स्टिचिंग के लिए दिया हुआ था ना जो कपड़ा, वो आज बुटीक से फोन आ रहा था निधि का कि आप आके आंटी लेके जाओ, तो मैं लेके आई हूँ। 1 महीना हो गया, पेमेंट वगैरह मैंने कर दिया था, जो स्टिचिंग चार्ज होता है वो मैंने कर दिया था, पर कपड़े अभी लेकर के मैं आई हूँ। तो मैं आप सबको एक एक करके दिखाती हूँ कि क्या क्या आप सबको मालूम तो है। ये वो सारे कपड़े हैं जो मैंने अपने रिटायरमेंट के टाइम में कुछ गिफ्ट में मिले थे और कुछ मैंने अपने थे जो खरीदे हुए थे। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ एक एक करके कि क्या क्या है। जामदानी शायद बोलते हैं, जामदानी हाथ की बुनाई होती है, बहुत महंगी साड़ी थी ये। ये ऑफिस से गिफ्ट में मिली थी, तो ये इसमें फॉल लगवाना था। ये भी मेरी दोस्त ने गिफ्ट किया था साड़ी, ये कॉटन की है बॉर्डर वाली, ये भी इसमें फॉल लगाना था तो ये लगवाया। इसके अलावा एक याद है आपको पीली वाली साड़ी जो मैंने शादी में पहनी थी, याद है ना, तो वो तो मैं पहन चुकी थी, मेरी एक दोस्त ने जो गिफ्ट किया था। और एक ये साड़ी थी, इसमें भी फॉल लगाना था। अब इन सब का ब्लाउज भी मुझे बनवाना था, तो ये साड़ियाँ तो तीन जो फॉल बन के लग के आ गई हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं है। हाँ, और दो तीन सूट थे, याद होगा आपको, दो तीन सूट मेरी फ्रेंड्स ने दिया था, गिफ्ट किया था, तो वो था। ये ब्लाउज मैंने नाप के लिए दिया था, पहले का है। और ये एक कुर्ता था जो मैंने बनवाया, ये देखिए, काफ्तान बनवाया ये है। दिखाती हूँ मैं आपको पहन के, तो ये बनना है, ये देखिए अच्छी फिटिंग अच्छी आई है, ठीक है। नेक वगैरह भी बहुत खूबसूरत सब बन गया है, ये लेस लगा दिया है, और ये कॉटन का कपड़ा था, ये भी था एक कपड़ा ही था, किसी फ्रेंड ने दिया था, इसको इस तरह के बैंड कॉलर डिजाइन में बनाया है, इसे भी मैं पहन के आपको दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए, ये भी कुर्ता है, ये ए लाइन कुर्ता बना है, पजामे के साथ पहना जा सकता है, इतनी इसकी लेंथ है। तो ये दूसरा ये हो गया, और तीसरा भी एक कॉटन का ही कुर्ता था, ये सेट था बिल्कुल, मेरे फ्रेंड ने दिया था, राशि ने ये गिफ्ट किया था, और ये पैरल के साथ है, दुपट्टे के साथ है, तो इसे भी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये कुर्ता है और इसके साथ ये पजामा है, चूंकि मैंने पैरलर बोला था बनाने के लिए, उन्होंने शलवार बना दिया है, तो इसे अभी मैं ठीक करने के लिए दूंगी। इसी तरीके से एक और कुर्ता है जो बनवाया था, वो ये कुर्ता है, ये भी है, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। चौथा कुर्ता ये है, बस वही है, मैंने सारे बिल्कुल ऊपर से स्ट्रेट कहा था बनाने के लिए, उन्होंने सबको एकदम सेट वाला बना दिया है, मैं सबको लूज कराना पड़ेगा, ये सिल्क है। और इसके अलावा कुछ ब्लाउज हैं जो सिलवाया है, जैसे अब इसे मैं तो मेजर करके देख लेती हूँ खुद ही। एक ये सिंपल सा ब्लाउज बनवाया था, नेक ऐसा बनवाया है, ये देखिए इस टाइप का नेक बना हुआ है, ब्लाउज ये है, ये बैक से उसका नेक इस तरह से बनवाया है। तो ये सारे कपड़े थे, मैंने कहा आप सबको शेयर कर देते हैं, बड़े दिनों के बाद लेकर के आई हूँ। इसमें से कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है, मुझे तो सारे सूट जो है लूज करवाने होंगे, क्योंकि मुझे सारे कुर्ता जो है वो टाइट है, क्योंकि मैं इतना टाइट पहनती नहीं हूँ, टाइट पहन के ना और ज़्यादा बल्की सा पूरा बॉडी लगता है, तो मुझे उतना पसंद नहीं है, मैं ब्लाउज भी बहुत लूज लूज पहनती हूँ। तो चलिए ये था, ये बहुत 1 महीने के बाद मैं लेकर के आई थी, मैंने कहा आप सबसे शेयर कर लेती हूँ। और पिछले वीडियो में ये रह गया था, जब फाइनल मैंने तैयार कर लिया था ना, तो दिखाया ना ही, मैं शूट करना ही भूल गई थी, तो मैंने कहा कि आप सबको दिखा देती हूँ। फाइनली ये तैयार हो गया है, इसमें लटकन वगैरह सब लगा लिया है, अब इसे पहन के दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत सा ये लग रहा है ना पहन के। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी चीज़ आप बड़े प्यार से मेहनत से बनाते हैं ना, तो वो वैसे ही आपको अच्छा लगता है। सारा दिन यूं ही बैठ के इधर उधर की बातों में और कुछ कुछ करते हुए गुजार दिया जाए और चिंतित रह के गुजारा जाए, उससे बेहतर मुझे लगता है कि कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए हमारे हाथ में, अगर गुण है तो उसे हमें पूरा कर लेना चाहिए। अच्छा बात सुनो, आप पॉटी क्यों करके जाते हो, पॉटी क्यों कर जाते हो नीचे, गंदी बात है ना। अच्छा मतलब मैं बोल रही हूँ आंखें बंद कर रहे हो, वाह जी वाह, ऐसे इग्नोर मारते हैं क्या ऐसे इग्नोर मारते हैं, ओहो कितने कोजी हो रहे हो, गर्माहट मिल रही है पॉटी नहीं करते, ठीक है
बस आप खेलो रहो सो, बट पॉटी वॉटी नहीं किया करो। साफ करने में मुझे बहुत मुश्किल होती है क्योंकि आप ग्रास कारपेट पे कर जाते हो। ठीक है, छो छो आराम से छो। ओह देखो आंखें बंद हो गई है इसकी, एकदम कैसे आराम से सो रही है। अच्छा सो सो, मैं जा रही हूँ जा रही हूँ, सो जा सो जा। दोस्तों मैं खाली बैठने वालों में से कहा हूँ, देखिए वो पूरा हुआ, फिर मैंने एक ये शुरू कर दिया है, ये देखिए ये भी सोफा थ्रो ही बना रही हूँ क्योंकि अभी बच्चे जो है सोफा थ्रो की मांग ज्यादा कर रहे हैं कि मुझे बना दो मुझे बना दो, तो ये भी किसी के डिमांड पे मैं बना रही हूँ उसकी पसंद के रंग से। मेहनत बहुत है इसमें, कलर है उतना डिज़ाइन नहीं दिख रहा है, पर इसी कलर में उनको चाहिए था तो इसीलिए यही बना रही हूँ मैं। अभी के मौसम में ना सारे काम के साथ साथ सबसे बड़ा जो टास्क चल रहा है वो ये है, कपड़े धोना और उन्हें सुखाना। मतलब डेढ़ डेढ़ दिन दो दो दिन लग जा रहे हैं कपड़े सुखाने में, उसे उलट पलट के आपको सुखाना पड़ता है, तब जाके दो दिन में कपड़े सूख रहे हैं और उसे फ़ौरन उठा के रखना पड़ता है। गनीमत है कि हमारे पास वॉशिंग मशीन है, जिनके पास नहीं है या हमारे पास जब नहीं था तो सोचिए कितनी मुश्किल होती थी। मुश्किल घड़ियां आज भी हमारी ज़िंदगी में आती हैं क्योंकि मम्मी की ज़िद होती है कि उनके कपड़े हाथ से ही धोए जाए। तो बहुत बार जो है कमल कहते हैं कि चल मैं धो देता हूँ, हालांकि उन्हें बाकी कुछ आए ना आए, कुछ सीखा नहीं सीखा, पर इस उम्र में आके उन्होंने मम्मी के कपड़े धोना तो सीख ही लिया है। दोस्तों इस तरह सारा दिन कुछ ना कुछ काम तो होता ही रहता है, कुछ हाथ से किए जाते हैं, कुछ आजकल मशीनें आ गई हैं, लेकिन जो काम अपने हाथ से किया जाए ना उसमें बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है। जैसे बर्तन बर्तन धोना, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें डबल काम, अगर डिश वॉशर लेते हैं तो उसमें आपको डबल काम लग जाता है क्योंकि उसमें भी आपको पहले बर्तन को साफ करके रखना होता है, और इससे अच्छा ये लगता है कि चलो अपने हाथ से ही हम साफ कर लेते हैं। बहुत सारे घर में लोग कहते हैं ले लो ले लो, मैंने कहा कि नहीं, मुझे हाथ से बर्तन साफ करना बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही जैसे कि अगर आप हाथ से खाना खाते हैं ना तो इतने सारे तत्व जो है आपके अंदर जाते हैं और उससे खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है। स्पून से खाते हैं लोग, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हाथ से खाऊं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे कि हमें कंटिन्यू करते रहना चाहिए और लगातार उन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। चलिए आज का वीडियो समाप्त करने से पहले मेरे एक DIY हुक या लुक सब्सक्राइबर हैं जिनका चैनल है DIY हुक या लुक करके, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने इसमें म्यूजिक लगाने के लिए कहाँ से लेती हैं। देखिए ऐसा है कि तो टेक्निकली अगर आप गूगल से सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि आप इसमें लगाने के लिए म्यूजिक कहाँ से लेते हैं, क्योंकि पहले मैं हर एंड्रॉयड फ़ोन में ना म्यूजिक होता है तो मैं पहले अपने वीडियो में वहीं से म्यूजिक लेके लगा देती थी, लेकिन 6 महीना साल भर 1 साल बीत जाने के बाद धीरे धीरे उस पर कॉपीराइट क्लेम आने लग गया। मैं जो वर्ड बोल रही हूँ उसका ध्यान रखिए, कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं, क्लेम आता है, मतलब जिसका ये म्यूजिक होता है उसको कुछ परसेंटेज देना पड़ता है। ये बिल्कुल टेक्निकल चीज़ है, आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो जो टेक्निकल गुरु जी लोग होते हैं वो बता देंगे। तो अब मैं यूट्यूब लाइब्रेरी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है म्यूजिक मिल जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का सिस्टम क्या है कैसे है वो भी आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे। तो बस इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप बार बार ये सवाल कर रही थी मेरे साथ ही, और मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ से यूट्यूब लाइब्रेरी से म्यूजिक डाउनलोड कर लेंगी। तो आज के वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है, अरे ऐसा कैसे, जाइए जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्द ही मिलते हैं, तब तक आप सब अपनी सेहत का इस मौसम में बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, नमस्कार, प्रणाम।